नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इंडिया बनाम श्रीलंका तीन मैचों की वनडे श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज दोपहर 2:30 बजे कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मुकाबला टाई होने के बाद आज का मैच दोनों ही टीमों के लिए जीतना जरूरी हो गया है, क्योंकि आज का मुकाबला जो टीम जीतेगी उसके पास सीरीज जीतने का मौका रहेगा। पिछला मैच इसी मैदान पर खेला गया था। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 230 रन बनाए थे, जब लक्ष्य को पीछा करने उतरी भारतीय टीम 46.5 ओवर में 230 रन ही बना पाई और ऑल आउट हो गई और मुकाबला बराबरी पर पहुंच गया। श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम अगर आज का मैच जीत जाती है तो ये इंडिया की श्रीलंका के खिलाफ 100वीं जीत होगी। बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो दोनों टीमों के बीच अभी तक कुल 169 वनडे खेले गए, जिसमें से 99 मैच भारत ने जीते और वहीं 57 मुकाबले श्रीलंका ने जीते हैं। दो वनडे टाई रहे हैं और 11 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला है। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टीम में क्या क्या बदलाव करने वाले हैं। दोस्तों, कप्तान आज वाशिंगटन सुंदर या फिर शिवम दुबे को बाहर बिठा सकते हैं और उनकी जगह रियान पराग को टीम में मौका दिया जा सकता है। अर्शदीप की जगह खलील अहमद को टीम में शामिल किया जा सकता है। रोहित शर्मा ने अब तक 263 मैच खेले हैं, जिसमें से 10,767 रन बनाए हैं। 264 का सर्वाधिक स्कोर है रोहित शर्मा का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।